सागर सोनावने के हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में कोरोना की जागरूकता केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की उपस्थिति में बांटी गई मास्क, मोबाइल और किताब। कोरोना के बढ़ते प्रभावों के बीच जागरूकता फैलाने के मकसद से रवाले के प्रभाग 21 में हल्दी कुमकुम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने एवं रंजना सोनावने द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और रिपाई अध्यक्ष रामदास आठवले खासतौर पर मौजूद थे। यहाँ नागरिकों को मास्क, स्कूली बच्चों को किताब और पेन बांटे गए, साथ ही कुछ लड़कियों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल भी प्रदान किए गए। रिपाई अध्यक्ष रामदास आठवले ने इस अवसर पर कहा कि पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने ने जिस तरह झोपड़पट्टी बहुल इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने और विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है, वह सराहनीय है। उन्होंने विश्वास जताया कि सुधाकर सोनावने एक बार फिर भारी बहुमत से चुनकर आएंगे और लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। जो तो दलित आहे, अत्यंत गरीब आहे, अशा लोकांना न्याय देण्याचा संकल्प जो आहे तो करण्याची भूमिका त्यांची असते आणि त्यामुळे प्रत्येक वर्षाला मी या ठिकाणी उपस्थित राहत असतो। वहीं पूर्व विधायक संदीप नाईक ने कहा कि सुधाकर सोनावने खरे मायने में सच्चे समाज सेवक हैं। उन्होंने जिस तरह स्लम इलाके के बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करवाई है और नागरी सुविधाओं की बहाली के लिए दिन रात काम करते रहे हैं, वह काबिले तारीफ है। बीजेपी नेता ने यहाँ स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रमों की भी प्रशंसा की। जी सोनावने है अत्यंत नियमाचं पालन करणारं व्यक्तिमत्व आहे, त्यामुळे कुठलाही कार्यक्रम असला तुम्ही बघा की त्याने स्वतः मास्क घातलाय, मी देखील मास्क घातलाय आणि आलेल्या सर्वच लोकांनी मास्क घातलाय, त्यामुळे नियमांचं पालन करत या करोनासारख्या परिस्थितीमध्ये लोकांना पॉझिटिव्हिटी मिळावी, नैराश्यातून लोक बाहेर यावी, सकारात्मकता मिळावी, त्याकरता ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत त्यांचं आयोजन सोनावणे साहेबांच्या माध्यमातून केलं गेलं आहे। शिक्षण परत शिक्षण घेत असताना मुलांना इतर सुखसुविधा दिल्यानंतर एखाद्या इंटरनॅशनल स्कूलच्या असलेल्या सुविधा या परिसरातील झोपडपट्टी भागातील विद्यार्थ्यांना देण्याचं देखील काम हे त्यांच्या माध्यमातून झालं आहे। त्यांना संस्कार मिळालेत आणि त्यांचं 10वीचं किंबहुना ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याकरता जे करिअर मार्गदर्शन आहे त्याकरता देखील प्रयत्न केलेले मी सुधाकर सोनावणेंना पाहिलेलं आहे। मी आपल्याला सांगितलं की अनेक वर्षापासून मी सोनावणे साहेबांच्या कार्यक्रमाला येतो आहे, पहिल्या वर्षी एखादा कार्यक्रम करण्याकरता त्यांनी केलेले प्रयत्न, विद्यार्थ्यांचा मुलांच्या परफॉर्मन्सचा दर्जा, परंतु प्रत्येक वर्षी तो दर्जा वाढत गेलेला आहे। आता ह्या परिसरामध्ये आल्यानंतर जो स्थानिक मुलगा परफॉर्म करतो आहे तो एखाद्या अकॅडमीमधला मुलगा आहे का तो प्रोफेशनल आहे का, अशा प्रकारचा भास त्या ठिकाणी होत असतो। एवढ्या पद्धतीनं सुधाकर सोनावणेजींनी आपल्या या मुलांना त्या ठिकाणी चांगले संस्कार आणि सगळंच इन्फ्रास्ट्रक्चर, सगळ्या चांगल्या ट्रेनिंग्स, सर्वच गोष्टीची उपलब्धता ही वेगळ्या प्रकारे केली। यहाँ हल्दी कुमकुम कार्यक्रम के बहाने आयोजित कोरोना जागरूकता कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने ने कहा कि आज कोरोना फिर तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को जागरूक करना जरूरी है। इसलिए हमने यहाँ महानगर पालिका के आरोग्य कर्मचारियों को बुलाया था ताकि वे कोरोना से बचाव और जरूरी सावधानियों की जानकारी दे सकें। सुधाकर सोनावने ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोरोना रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए जाएं, लेकिन लॉकडाउन न लगाएं ताकि लोगों की रोजी रोटी चलती रहे और कोई भी भूखा न सोने पाए। मास्क का ये है कि हमने हमारा जो शरीर है, हमारा जो कोरोना से बचाव है उसके लिए और कापी और पेन इसके लिए दिया है ताकि हमारे बच्चे पढ़ना लिखना ना भूल जाए, हम स्कूल जाना चाहते हैं, और दूसरा हाथ में एक पर्स दिया है, वो पर्स इसलिए है कि जो कुछ भी हमें रोजगार मिलता है उसको संभाल के रखने के लिए। तो ये सारे चीज़ें हमने हमारे भलाई के लिए दिए। आज सरकार ने कहा है कि
मैं मेरी जिम्मेवारी, हाँ मेरी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, लेकिन जो लोग इस कोरोना के दरमियान मुंह पर मास्क नहीं लगाते उनको कड़ी से कड़ी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि उनके चलते गरीबों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।